हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्रैवल बीजी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपाचे के एक एक फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको यह बाइक परचेस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इस बाइक को मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मैंने इस बाइक को लगभग 1000 किलोमीटर तक चला लिया है। तो इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ इस बाइक के एक एक फ़ीचर्स के बारे में और आपको यह बाइक परचेस करनी चाहिए या नहीं। तो आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस बाइक को मुझे परचेस किए हुए लगभग 3 मंथ से अबव हो चुका है, तो इस बाइक के बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, तो इसी से ही मैं अपनी गाड़ी को क्लीन करता हूँ। तो अभी तक फिलहाल आप देख सकते होंगे कि कोई भी स्क्रैचेस नहीं आए हैं क्योंकि ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1 मंथ हो चुका है और काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है। यदि आप यह परचेस करने का सोच रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि इस बाइक के अगर हम मीटर कंसोल को देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस बाइक को लगभग मैंने 1000 किलोमीटर तक रन कर लिया है। लगभग एक्यूरेट है यहाँ पर 971 किलोमीटर, तो काफ़ी मैंने इस बाइक को रन कर लिया है। और इसी के बेस पर मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर इसमें फ्रेंड्स कोई भी डाउट नहीं है कि इस बाइक का लुक बिल्कुल यूनिक है। इस तरह की आपको कोई भी बाइक नहीं मिलेगी मार्केट में, सिर्फ MT-15 है। तो फ्रेंड्स इसका लुक मुझे MT-15 से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स इसकी स्टेबिलिटी अगर बात करें तो इस बाइक की जो स्टेबिलिटी है हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बाइक है। इसको मैंने 100 की स्पीड पर भी रन किया है तो बाइक काफ़ी स्टेबल रहती है और 100 की स्पीड पर जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लगभग 10-15 सेकेंड के आसपास यह 100 की स्पीड अचीव कर लेती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पावरफुल बाइक है। इस बाइक में जो पावर है लगभग 17.6 PSI पावर है, जो कि काफ़ी पावर है। और इस बाइक का जो टॉर्क है लगभग 14.5 के आसपास इसका टॉर्क है, जो कि काफ़ी टॉर्की बाइक है। और इसका लुक आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से इसके आपको DRS मिल जाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स यह मैट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगती है और इसके रेड अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इस वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हर किसी बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो इसके बारे में भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरह का लुक है बाइक का। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर भी आ रहा है, जो कि बहुत ही काम का है और काफ़ी ये वर्क करता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यदि आप उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो आप ज़रूर देखिए इसके सभी फीचर्स के बारे में। और सबसे पहले फ्रेंड्स अभी हम इसके प्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्रोज यहाँ पर है कि इसमें यह अलग से एक स्विच दिया है इसकी हेडलाइट को ऑन करने के लिए, जिससे कि फ्रेंड्स यदि आप दिन के टाइम में इसकी हेडलाइट को ऑफ रखेंगे तो आपकी काफ़ी बैटरी बचेगी। तो यह स्विच पहले बाइक में लगा हुआ नहीं आता था, यह हाल ही में ऐड किया है। और इसकी जो सीट है काफ़ी यूनिक है और यह इसके पीछे से यह इसकी LED लाइट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस बाइक के सारे प्रोज ही प्रोज हैं, कोई भी कॉन्स नहीं है। कुछ है कॉन्स मैं आपको बताऊँगा अभी। यह रेयर लुक है बाइक का, आप देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स अभी इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,23,000 के आसपास हो गया है, मतलब थोड़ा सा इस बाइक का प्राइस अभी इंक्रीज किया है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 1,53,000 के आसपास है, मतलब 1.5 लाख से भी ऊपर की यह बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी जाकर। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो कॉन्स इसमें मुझे यह देखने को मिला कि यह जो बाइक है इसमें यहाँ पर यह आवाज़ आती है, यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है, यदि इसको हम रन करते हैं जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ,
देखिए यहाँ पर मैं इसको घुमाऊंगा तो यहाँ से आवाज़ आती है। इसके जो डिस्क पैड हैं ये इसके यहाँ पर ब्रेक में यहाँ पर लगते हैं जिससे कि यह आवाज़ करती है। इसको मैंने सेकंड सर्विस में सर्विस सेंटर पर भी दिखाया था बट यहाँ से भी इसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसमें आवाज़ आती है। तो इसकी आवाज़ को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पर आवाज सुन पा रहे होंगे, जब पीछे की तरफ घुमाते हैं तो ज्यादा लगता है, आगे की तरफ घुमाते हैं तो कम आवाज आती है। तो यह फ्रेंड्स मुझे कमी लगी इस बाइक में, क्योंकि फ्रेंड्स इसको मैंने सर्विस सेंटर पे भी सेकंड सर्विस में मैंने इसको दिखाया था बट अभी तक यह प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। तो अभी कुछ समय के बाद मैं इसको फिर से दिखाऊंगा और देखते हैं कि यह प्रॉब्लम खत्म होती है या नहीं। इस पर भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक इशू और देखने को मिला है कि इसका इंजन है, भले ही इसमें ऑयल कूल्ड सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर आपको रेडिएटर ये दिख जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये इसका रेडिएटर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन दिया है, ये इसके फैंस हैं। तो फ्रेंड्स यह जो इंजन है थोड़ा सा हीट अप ज़्यादा करता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह नई बाइक है, लगभग 1500 किलोमीटर तक इसका इंजन का जो वेयर एंड टियर है वो ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इंजन काफ़ी हीट करता है। तो यदि आपके पास नई बाइक है तो उसको लगभग आप इसको स्लो ही स्पीड में चलाएं, जैसे कि लगभग आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलाएंगे तो बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा हीटअप नहीं करेगा। और यदि 1500 किलोमीटर तक इस बाइक को रन करते हैं उसके बाद जो इंजन का वेयर एंड टियर है अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद आप इसको 80-90 की स्पीड पर भी रन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप लगातार 90 की स्पीड तक इसको क्रूज़ करेंगे तो इंजन बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। चाहे कोई सी भी बाइक हो, हर किसी बाइक का इंजन हीट होता है। और जो लिक्विड कूल्ड जो बाइक होती हैं उनमें काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है, वो उसमें कूलेंट अलग से यूज़ होता है जिससे कि बाइक का इंजन जल्दी कूल हो जाता है। तो यदि एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म है तो ऐसी कंडीशन में आपको बाइक को लगभग 60-70 की स्पीड पर यदि आप चलाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि यह बाइक का इंजन हीट करता है, तो आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इस बाइक का इंजन को हमें कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि हर किसी नई बाइक का इंजन हीट ज़रूर करेगा लगभग 1500 किलोमीटर तक। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब हम फ्रेंड्स इस बाइक के चेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि इस बाइक का जो चेन सिस्टम है वो ओपन चेन सिस्टम है, यानी कि आपको हर 300-400 किलोमीटर के बाद अपनी बाइक की चेन को आपको क्लीन करना होगा और उसका लुब्रिकेशन भी करना होगा जिससे जो चेन है वो प्रॉपरली वर्क करती रहेगी और आगे तक लंबे समय तक यह चेन आराम से चल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब हम फ्रेंड्स इसके मोनोशॉक सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्रेंड्स इसमें सोआ कंपनी के दिए हुए हैं। सोआ एक जापानीज़ कंपनी है तो इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस बाइक में इसके जो सस्पेंशन है थोड़े से स्टीफर साइड की तरफ हैं, जिससे कि आपको हाईवे में अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा आपको इस बाइक को ज़्यादा गड्ढों में नहीं चलाना है, जिससे कि इसके सस्पेंशन पे फर्क पड़ सकता है और आपकी पीठ की भी वाट लग जाएगी। तो इसलिए आपको इसको गड्ढों में धीरे से निकालना है, नहीं तो आपकी पीठ की भी वाट लगने वाली है। और अब हम फ्रेंड्स इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसका जो रियर ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें 200 mm की डिस्क ब्रेक है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करती है। लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब बाइक के अकॉर्डिंग 160cc की ये बाइक है, तो बाइक के अकॉर्डिंग इसका जो डिस्क है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट का
ब्रेक है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और इसमें ABS भी अच्छे से वर्क करता है। मैंने इस बाइक को लगभग 1000 किलोमीटर तक रन कर लिया है, अभी तक भी आगे का जो टायर है वो स्किड नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सुपर मोटो ABS दिया गया है। TVS इसको सुपर मोटो ABS बोलती है और ABS की वजह से इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और इसका जो फ्रंट टायर है वह स्किड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ब्रेकिंग इस बाइक की बहुत ही अच्छी है। और अब हम फ्रेंड्स इसके हेडलाइट के बारे में बात करते हैं और इसकी फ्रेंड्स ब्रेकिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो आप जरूर देखिए, आपको इसकी ब्रेकिंग के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम इसकी हेडलाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी हेडलाइट बिल्कुल यूनिक है। अब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मूछों की तरह इसकी DRS दिए गए हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी हेडलाइट है। यदि हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर इसकी ये लो बीम है और हाई बीम बाइक स्टार्ट होने के बाद ऑन होगी। तो यदि हम हाई बीम को ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर बाइक स्टार्ट कर ली है और यह इसकी हाई बीम है, आप देख पा रहे होंगे लो बीम और हाई बीम। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी हेडलाइट की बात करें तो नाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हेडलाइट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बिल्कुल नाइट में आराम से इसमें ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्रेंड्स हाई बीम पर ड्राइव करना होगा, हाई बीम पर स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। हम सभी जानते हैं कि हाई बीम पर ड्राइव करना थोड़ा सा इलीगल है, लेकिन यदि अंधेरा है आपको नहीं दिख रहा है तो आप हाई बीम का यूज़ फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं और यह फ्रेंड्स मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स इस बाइक की लाइट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें उस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने इस बाइक को नाइट में ड्राइव करके दिखाया है। तो उसमें आपको इस बाइक के नाइट ड्राइविंग से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स इसकी हाई बीम काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और अब हम फ्रेंड्स इसकी राइडिंग पोस्चर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इसका जो राइडिंग पोस्चर है काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा आप लीन होकर बैठते हैं जिससे कि यदि बम्स वगैरह आते हैं तो उसमें आपकी पीठ पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और थोड़ा सा लोड आपके हाथ में भी जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है और इसकी जो सीट है कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है और राइडर के लिए तो अच्छा है ही है इसकी सीट, प्लेन के लिए भी काफ़ी स्पेशियस सीट है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्लेन में भी यदि आप फैमिली मेम्बर हैं तो आपके प्लेन में भी आप किसी लेडीज़ को बैठा सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी टैंक की बात करते हैं, तो मेरे पास फ्रेंड्स काफ़ी कमेंट आते हैं कि इसका टैंक बहुत ही ज़्यादा मूव करता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इसका टैंक बिल्कुल नहीं हिलता है, बिल्कुल अच्छे से यह फिक्स है। देखिए फ्रेंड्स फ्रंट में यहाँ पर दो नट बोल्ट से यह फिट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स यहाँ पर नट बोल्ट यूज़ किए गए हैं सीट के नीचे इसको फिक्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका टैंक अच्छे से फिट्स है, यह मार्केट में अफवाह फैलाई हुई है कि इसका जो टैंक है वो हिलता है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको हिला कर दिखाता हूँ कि देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा है, पूरी की पूरी बाइक यहाँ पर हिल रही है, आप देख पा रहे होंगे कि इसका टैंक नहीं हिल रहा है, फिक्स है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें 12 लीटर का इसका टैंक है, तो फ्रेंड्स आराम से लॉन्ग डिस्टेंस आप एक बार फुल फिल करने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अब हम फ्रेंड्स इसका मीटर कंसोल देखते हैं, तो इस बाइक में आपको काफ़ी फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फीचर्स फ्रेंड्स इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यह बाइक लगभग 971 किलोमीटर्स तक यह बाइक चल चुकी है और हाई स्पीड फ्रेंड्स अचीव करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग यह बाइक 10 टू 15 सेकंड में ही यह बाइक लगभग 90 टू 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। और भी इसमें काफ़ी फीचर्स हैं आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और यहां पर फ्रेंड्स इसका फ्यूल इंडिकेटर है और
टाइमिंग भी यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे। इस बाइक में फ्रेंड्स से 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, यह अर्बन है और यह स्पोर्ट्स मोड है और यहाँ पर यह रेन मोड है। रेन मोड में फ्रेंड्स इसका जो ABS है काफ़ी एक्टिव हो जाता है, जिससे बाइक स्किड नहीं करती है। तो मैं इसको सैर के लिए अर्बन मोड पर ही रखता हूँ, और जब मैं हाईवे पर जाता हूँ तो मैं इसको स्पोर्ट मोड पर शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यह फ्रेंड्स इसका मीटर हो गया। मीटर काफ़ी अट्रैक्टिव है और वाइट कलर में इसका मीटर है, काफ़ी अच्छा मीटर है और काफ़ी एक्यूरेट इसमें इंफॉर्मेशन होती है, और गियर की भी पोजीशन एक्यूरेट दिखाई जाती है। और अब हम फ्रेंड्स इसके टायर की बात करते हैं। तो इस बाइक में फ्रेंड्स जो टायर दिए गए हैं वो रेडियल टायर हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि 130x17 सेक्शन के इसमें टायर हैं और 17 इंच के टायर इसमें दिए हुए हैं, और जो कि रेडियल टायर हैं। और फ्रेंड्स जो टायर की पकड़ है वो हाईवे पर बहुत अच्छी रहती है, स्किड करने का इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाइक काफ़ी स्टेबल रहती है। लगभग 100 की स्पीड पर भी बाइक बहुत ही स्टेबल रहती है और ज़मीन से चिपक के चलती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें ट्यूबलेस टायर यूज़ हुए हैं। और अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो फ्रंट टायर है उसके फीचर्स के बारे में अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो टायर दिए गए हैं वह यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 19x19 सेक्शन के 17 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए हुए हैं, और यह भी फ्रेंड्स ट्यूबलेस टायर हैं। बट फ्रेंड्स यह वाला जो टायर है फ्रंट का जो रेडियल नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो रियर का टायर है वो है कंपलसरी रेडियल होना, उसी पर ही सारा लोड रहता है, बाइक का अपना भी सारा लोड उसी पर ही रहता है, तो वह फ्रेंड्स रेडियल टायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी भी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है टायर की, आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिपिंग है, तो रोड पर यह टायर काफ़ी चिपक के चलते हैं। तो टायर इसके दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस बाइक का जो वेट है लगभग 150 किलो के आसपास है, तो 150 किलो के वेट में इस बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी मिलती है, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप डबल हो। तो सिंगल में भी आपको बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, बाइक हाईवे पर डिसबैलेंस नहीं होती है। और फ्रेंड्स अब हम इसके मिरर के बारे में बात करते हैं। तो इस बाइक का जो मिरर है हाई स्पीड पर भी आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत कम है, लगभग आपको 80-90 की स्पीड में आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं, जो कि ना के बराबर हैं। बाकी इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी रिफाइन दिया गया है, तो बिल्कुल ना के बराबर इसमें वाइब्रेशन है। और इस बाइक का इंजन फ्रेंड्स 4 वॉल्व है, मतलब 2 इनटेक है और 2 आउटटेक है, तो जिसकी वजह से जो फ्यूल्स की कंबशन है वो इसके इंजन में अच्छे से होता है, तो 4 वॉल्व होने का यही फ़ायदा है, और पावर भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो साइड इंडिकेटर हैं वो बल्ब में दिए हुए हैं, बाकी सारा इसमें जो सेटअप है वो LED का है, और यहाँ पर भी एक बल्ब दिया गया है, और बाकी यहाँ पर ये LED है, और इसका जो हेडलाइट है वो कम्प्लीटली LED में है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका जो हेडलाइट का जो पूरा सेटअप है वो सारा का सारा LED में है, और यहाँ पर ये भी आप देख पा रहे होंगे कि ये भी यहाँ पर बल्ब में है। और फ्रेंड्स इसका जो इंजन गार्ड है काफ़ी काम का है, देखने में तो छोटा लगता है लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है, और यदि आपकी बाइक थोड़ा बहुत स्किड भी करती है तो इसके फाइबर पर कोई भी डेंट वगैरह नहीं आता है। और हल्की सी एक बार मेरे से बाइक थोड़ी सी झुक गई थी, इसका जो यह इंजन गार्ड है इसने इस बाइक को गिरने से भी बचा लिया था, और इसके फाइबर पर भी कोई भी डेंट वगैरह नहीं आया था। तो फ्रेंड्स इसका इंजन गार्ड काफ़ी काम का है, छोटा है लेकिन काफ़ी काम का इसका इंजन गार्ड है। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको यह बाइक बिल्कुल परचेज करनी चाहिए। अपाचे की प्रीमियम बाइक में से एक है, और सबसे ज़्यादा सेल TVS की इसी बाइक की होती है, अपाचे 164B या अपाचे 162B।
अपाचे सीरीज़ की सबसे ज़्यादा सेल होती है टीवीएस में। और फ्रेंड्स यह एक टीवीएस की प्रीमियम बाइक है, आपको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। और फ्रेंड्स अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत इस बाइक में नहीं है और कोई भी इसके कॉन्स नहीं है। ये बस एक ही कॉन्स था जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रंट का जो डिस्क है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है, तो इसको मैं सर्विस सेंटर में एक बार फिर से दिखा लूँगा। और बाकी देखा जाए तो अभी तक मैंने इस बाइक को लगभग 1000 किलोमीटर तक अभी मैंने इसको रन कर लिया है और अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस बाइक में। तो आई होप फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो आफ्टर सेकंड सर्विस मैं फ्रेंड्स इसके माइलेज टेस्ट का भी वीडियो एक बार फिर से लेकर आने वाला हूँ। आफ्टर फर्स्ट सर्विस मैंने इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ, तो वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। और फ्रेंड्स सेकंड सर्विस के बाद इसका कितना माइलेज आ रहा है उस पर भी वीडियो जल्दी आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स अपाचे 164 भी स्पेशल एडिशन यदि आप बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं, यदि आपके पास यह बाइक है तो इसके काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कुछ वीडियो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस बाइक से मुझे क्यों इतना अच्छा माइलेज मिल रहा है, तो इन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी बाइक का माइलेज क्यों कम है और आपको अपाचे किन किन पॉइंट्स पर नहीं परचेस करनी चाहिए और इंजन सीज होने के क्या कारण है, जी हाँ नई बाइक का भी इंजन सीज हो सकता है, और माइलेज ड्रॉप का एक बहुत बड़ा कारण जो कि अपाचे में है और फ्री सर्विस को लैप्स नहीं कराना चाहिए, तो इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।